नमस्कार भाइयों बहनों, आपका स्वागत है हमारे चैनल कुकिंग विद सास बहू में। आज हम आपके सामने चाय की एक नई रेसिपी लेके आए हैं। चाय तो आपने बहुत पिया होगा, पर जायकेदार चाय आपने कभी नहीं पिया होगा। हर मौसम में चाय का यूज करते हैं, ठंडा हो, बरसात हो या जाड़ा हो। चलिए मैं चाय की सामग्री बता रही हूँ कि चाय में क्या क्या पड़ते हैं। हम आपको 2 कप चाय तैयार करने की सामग्री बता रहे हैं। 2 कप चाय तैयार करने के लिए हमें सबसे पहले 1 कप पानी, 1 कप दूध, पानी और दूध हम बराबर मात्रा में लिया है, चाय की पत्ती 1 चम्मच और चीनी अपने स्वाद के अनुसार, मीठा कम बेसी 2 चम्मच या 1 चम्मच ले सकते हैं, अदरक का छोटा टुकड़ा, 2 छोटी इलायची और 4 तुलसी के पत्ते। सब आइए हम आप चाय बनाते हैं। 1 कप पानी डाल दें पैन में पहले। फिर चाय की पत्ती 1 चम्मच और चाय की पत्ती और पानी दोनों बॉयल हो जाए उसके बाद 2 मिनट तक पका लें। अब ये उबलने लगा, वाह कितना अच्छा इसका कलर आया है, ब्राउन कलर। अब हम इसके अंदर अदरक का टुकड़ा, तुलसी के पत्ती और इलायची को कूट के डाल देंगे। और इसको 2 मिनट के लिए उबलने के लिए छोड़ देंगे। अब इसका कलर डार्क ब्राउन हो गया, अब हम इसमें दूध डाल देंगे। अदरक इलायची का अर्ग आ गया सबका, 1 कप दूध डाल दें। वाह देखिए कितना अच्छा कलर आया है। 2 मिनट तक इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। दूध उबल गया है, अब हम इसमें अपने स्वाद के अनुसार 2 चम्मच चीनी डाल देंगे। स्वाद के अनुसार घटा, कोई मीठा कम या ज्यादा कर सकते हैं। Amazing! वाह हमारी चाय तो ऑलमोस्ट बन के तैयार हो गई है। इसकी खुशबू कितनी अच्छी आ रही है, मन कर रहा है कि अभी पी लें, बट मुझे 1 मिनट का इंतजार करना पड़ेगा। देखिए चाय का कलर कितना अच्छा है। अब हमारी चाय बन के रेडी हो गई है, अब हम इसे कप में निकाल लेंगे। पहले हम कप में 1-1 चम्मच मलाई डालेंगे, 1-1 चम्मच मलाई डाल देंगे, जिससे चाय का टेस्ट और अच्छा बढ़ जाएगा, टेस्टी हो जाएगा। देखिए वाह क्या टेस्टी चाय है। आप भी आमंत्रित हैं इस शानदार चाय पीने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि हमारा मनोबल बढ़े और हम आपके लिए नई नई रेसिपी लेके आए। मिलते हैं अगले वीडियो में, अब तक के लिए नमस्कार।